हाय गाइज, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज है, ये गो प्रोग्रामिंग का सीरीज है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बेसिकली जैसे कि एरे है, वैसे ही स्ट्रक्चर भी है, सेम वैसा ही काम करता है। एरे में भी हम लोग क्या करते थे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को, जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप होता था उसको हम लोग वहाँ पे स्टोर कर लेते थे, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी हम लोग सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आइटम अलग अलग जो आइटम है उसको एक साथ हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अगर एरे का बात किया जाए तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के आइटम्स को हम लोग कंबाइन नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो सब कुछ जैसे कि एक टाइम में दो टाइप के आइटम को हम लोग एरे में नहीं रख सकते थे, वहाँ पे एक टाइप के आइटम को ही रख पाते थे एट ए टाइम। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइटम्स को हम लोग एक साथ रख सकते हैं विथ डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के साथ, डिफरेंट डेटा टाइप के साथ, ओके। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले मैं पैकेज मेन को ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ FMT को, ओके। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो उसके साथ ही हम लोग को एक कीवर्ड के साथ बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे टाइप, ओके। और इस टाइप का जो नेम होगा, ठीक है, वो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक ए वेरिएबल। जो भी हम लोग जैसे एरे का वेरिएबल देते थे वैसे ही, या फिर जो भी और हम लोग वेरिएबल देते थे वो हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का, आपको स्ट्रक्चर का जो टाइप होगा उसका नेम देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ बुक, ओके। यहाँ पे मैं नेम दे दिया बुक्स। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होगा, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते हैं, ओके। ये सारे जो टाइप्स है और स्ट्रक्ट है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये अपने तरफ से आपको नहीं लिखना है। केवल यहाँ पे जो बुक्स है उसी का नाम आप चेंज कर सकते हैं, इसके जगह पे आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टाइटल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइटल बना लेता हूँ और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे मैं बुक का आईडी रख लेता हूँ, ठीक है। और ये होगा इंट टाइप का, ओके। और उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन मेन, ठीक है। और इसके अंदर, ओके, अब इसके अंदर हम लोग को दो वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। दो या तीन, जो भी हम लोग जितना भी वेरिएबल बनाना चाहें उतना वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर, और इसका मैं नेम रख देता हूँ बुक वन, ओके। यहाँ पे बुक वन रख देता हूँ, इसका नेम है बुक वन, ठीक है। और ये जो बिलोंग्स करेगा ऊपर, जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, उसका नेम यहाँ पे दे दूंगा बुक्स, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया बुक वन बुक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे बुक वन के लिए हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग को वैल्यू को पुट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे टाइटल है और बुक आईडी है, उसके जगह पे हम लोग को कुछ वैल्यू ऐड करना है तो उसको कैसे करेंगे। उसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना है, बुक्स वन करना है डॉट, और यहाँ पे आपको टाइटल देना है इसके लिए, और इक्वल टू, आप स्ट्रिंग टाइप के यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गो लैंग एक टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, बुक आईडी को रख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया बुक आईडी, ओके। और इस बुक का मैं कुछ आईडी दे देता हूँ, सपोज 1 2 3 4, ये मैंने एक आईडी दे दिया, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार मैं प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, FMT डॉट प्रिंट LN, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक वन फॉर टाइटल, ओके। और उसके बाद कॉमा देके मैं यहाँ पे टाइटल
टाइटल को प्रिंट कराऊंगा, तो उसके प्रिंट कराने के लिए वो क्या करना, book1.title, इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बुक का आईडी आएगा वो book1.book ID। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैं इसको रन कराने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुक वन का जो टाइटल है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, और जो आईडी है वो भी अब प्रिंट हो गया है। ठीक है, आप मैं दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा book ID। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए बुक वन के लिए जो टाइटल है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, और बुक वन के लिए जो आईडी है वो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ। ये सारा चीज़ जो ये अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ किया ये हम लोग सिंपली एरे में भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम लोग करने वाले हैं ये बड़ा बात है यहाँ पे। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक मैंने बनाया था बुक्स के लिए, ठीक है, बुक वन के लिए, और अगर हम कोई और बुक के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो मैं इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसी को, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ book 2। ठीक है, अब book 2 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं, टाइटल सेट कर सकते हैं और आईडी सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ go programming, और इसका आईडी मैं दे देता हूँ कुछ और डिफरेंट आईडी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये book 2। ठीक है, ये book 2 के लिए मैंने सेट कर दिया, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ book 2। ओके, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ और हम लोग आउटपुट देखते हैं। इससे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए book 1 के लिए जो यहाँ पे प्रिंट हुआ वो हो गया, और book 2 के लिए जो यहाँ पे प्रिंट हुआ ये नीचे प्रिंट हुआ है। ठीक है, book 1 और 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे जितना भी डिफरेंट टाइप का आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ये जो इसका फीचर है स्ट्रक्चर का, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आप यहाँ पे जितना भी आइटम डिफरेंट टाइप का जो आइटम्स है उसको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, और जो केवल उसका ऑब्जेक्ट जो है उसका नेम आपको अलग अलग करते जाना। जैसे मैंने book 1 रखा है, book 2 रख सकते हैं, यहाँ पे book 3 4, इसी टाइप से आप जितना हो सकता है उतना आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइज, आपने इस वीडियो में समझा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।